करेंगे मैरिनेट, उसके अंदर क्या क्या डालेगा, रोस्ट कर दिया, रोस्ट नहीं। गाइज वेलकम टू वेम लाइफस्टाइल, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। गाइज आज जो है वो मैं एक चीज़ करने लगी हूँ, तो मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ कि मैं क्या करने लगी हूँ। बड़ी वो यमी यमी सी बनने वाली है, तो अगर आप मेरी ही रेसिपी से उसको बनाएंगे तो बहुत ही यमी बनेगी। तो अभी जो है मैं आपको सारा कुछ दिखाती हूँ कि उसमें क्या क्या डलेगा। आवाज़ है वो हमारे असल में जो बैक साइड है वहाँ पे काम चल रहा है, इसलिए आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। ओके गाइस, इसके अंदर जो है वो अभी हम क्या बना रहे हैं, अभी हम करने लगे हैं चिकन लेग पीस को मैरिनेट। दो चिकन लेग पीस को हम करेंगे मैरिनेट, उसके अंदर क्या क्या डालेगा मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखें, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ठीक है, ये 1 टीस्पून डलेगा। ये जो है लाल मिर्च, ये भी 1 टीस्पून डलेगी। सॉल्ट भी 1 टीस्पून, ठीक है। ये जो है ये है चिकन टिक्का का मसाला, ठीक है, ये भी 1 टीस्पून। और ये जो काली मिर्च है, ठीक है, पिसी हुई, ये डलेगी 1/2 टीस्पून। और ये जो है ये है सूखा धनिया पिसा हुआ, ये भी 1 टीस्पून, ठीक है। और अभी जो है वो आगे चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे मैरिनेट होगा और ये किस में चीज़ें डालकर मैरिनेट होंगी। और अभी एक और चीज़, दो चीज़ें हैं जो अभी डलनी है, वो मैं आपको बताती हूँ आगे। यहाँ पे जो है ये देखिए, ये है दही। दही मैंने ली है 5 टेबल स्पून, हाँ जी 5 टेबल स्पून ये वाले, ठीक है। और इसके अंदर जो है ये सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ भी ऐड करेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ रहने ना पाए, ठीक है, सारी चीज़ों को आपने इसके अंदर अच्छे से ऐड करना है। तो ये विनीगर है, विनीगर को आपने 1 टीस्पून डालना आपने, तो ये 1/2 टेबल स्पून आप डाल दें, क्योंकि मेरे पास अभी यही है, तो ये 1/2 आप ऐसे ऐड कर दें, ठीक है। और साथ साथ जो है वो क्लियर करते जाएं। ये प्लेट मैं साइड पे रख के आती हूँ, ठीक है। और इसको जो है आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है, अच्छे से मिक्स करना है आपने। और हमेशा जो है वो चिकन को जब भी आप मैरिनेट आपने करना हो अगले दिन, तो आप उसको जो है वो फ्रिज में नीचे वाले पोर्शन में रखते हैं, ठीक है, फ्रीज़र से निकाल के, ताकि जो है वो नरम हो जाए और जाए जल्दी। क्योंकि अगर आप उसको पानी के अंदर डालकर उसको अलहदा करने की कोशिश करेंगे तो उसके मिनरल सारे ख़त्म हो जाते हैं और फिर वो जो है वो आपको हेल्दी नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने इसको कर लिया है अच्छे से मिक्स, ठीक है। और विनीगर डालने से ये होता है कि आपका जो चिकन है वो अच्छे से गल जाता है। तो मैं अभी जो है वो चिकन के पीस लेके आती हूँ और उसको फिर हम मैरिनेट करते हैं। और पीछे मक्खू की टैंट है जो है वो हो गई है शुरू। ये देखें, मैं ले आई हूँ चिकन, ये देखें, अच्छे से इसको जो है वो हमने करना है मैरिनेट। ये देखें इसके अंदर अच्छे से, और सबसे पहले आपने अपने हैंड्स को, सारे काम करने से पहले हैंड्स को अच्छे से वॉश कर लेना है, ताकि जो जम्स हैं वो ना लग पाए, ठीक है। और ऊपर आपको जो है वो ग्रीन अनियन भी नज़र आ रहा होगा, जो हमने खुद घर में ग्रो किया है, तो जिन्होंने रेसिपी वो नहीं देखी वो देख सकते हैं। और ये देखें, यहाँ पे मैंने जो है वो एक रोस्ट कर दिया, रोस्ट नहीं, मैरिनेट कर दिया है, ठीक है। एक मैरिनेट हो गया है, दूसरे को भी अब हम करते हैं। ठीक है, ये देखें, ये मैरिनेट हो गया है, इसको इसी के अंदर रखें और अच्छे से, ठीक है।
ठीक है। ये आप लोग जो है, जैसे आपकी दो है ना, ये हमने किया है दो लेग पीस के लिए, ठीक है, वन टीस्पून। अगर आपकी चार लेग पीस हो तो जो क्वांटिटी मैंने हाफ बताई है वो आप वन कर लें, और जो मैंने आपको वन बताई है वो आप टू टीस्पून कर सकते हैं, ठीक है। और जो दही है वो 5 टेबलस्पून थी, तो वो आप 10 टेबलस्पून करके 4 के लिए कर सकते हैं। और दूसरा एक और काम आपने करना है, वो भी आपको मैं अभी बताती हूँ। ये देखें, ये मैं लेके आई हूँ फॉग। फॉग से आपने जो है इसके अंदर हल्के हल्के से होल्स कर देने हैं, ठीक है, यूं। इससे क्या होगा, आगे पीछे दोनों से करने हैं, इससे ये होगा कि जो मसाला है वो अंदर रच जाएगा। और सॉरी, इग्नोर कीजिएगा वॉइस अगर आपको आ रही हो पीछे से, क्योंकि पीछे काम चल रहा है तो इसकी वजह से, ठीक है। ये देखें, अच्छे से आपने इसको जो है वो चिकन पे यूं कट्स लगा देने हैं, ताकि जो है चिकन के अंदर भी चला जाए सारा जो मटेरियल है, ठीक है। ये देखें, सही हो गया। अब हम इसको ढककर जो है वो फ्रिज में रख देंगे, और 2 आवर्स के बाद इसको जो है वो करना है आपने रोस्ट। कोई मेहमान ने आना है तो, अगर नहीं आना तो फिर आप जो है इसके लिए वेट करें, ठीक है, 24 आवर्स का वेट करें, या ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 12 आवर्स तक तो वेट करें आप लाजमी, अगर आपको टेस्ट चाहिए। बहुत ही यमी टेस्ट आएगा, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ये ट्राई की हुई है पहले, और ऐसे ही आपने जो है वो बनाना है। और कमेंट करना है कि आपको जो है ये, मैं ज़रा रिमूव कर रहा हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। हाँ जी, मैं हैंड वॉश कर रही हूँ इसको जो है वो, अभी हम रख देंगे, ठीक है। आपने जो है जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है, ये नहीं करना कि जो है वो मेहमान 1 घंटे बाद आ रहे हैं या 1/2 घंटे बाद आ रहे हैं, तो आप ऐसे करें कि जो है वो मैरिनेट कर लें और जल्दी से 1/2 घंटे में इसको जो है वो करके तो बना लें, ऐसा नहीं करना, क्योंकि वरना टेस्ट नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा तो फिर यमी नहीं बनेगा। तो मैं इसको फ्रिज में रख, तो उम्मीद है आपको ये वो रेसिपी है ये अच्छी लगी होगी। ऐसी ही रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे, तो स्टे ट्यून, कमेंट करना ना भूलिएगा। ओके, बाय।